मैं यामा, मैं अहमदाबाद रहने वाली हूँ और मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे और बच्चों को खास गुजराती खाना पसंद नहीं है, पर यह है कि मम्मी गुजराती खाना ही ज़्यादा बनाती है। तो हम ये चाहते हैं कि शेफ़ प्रणव हमारे घर आए और मम्मी को थोड़ा अलग डिशेस सिखाए कि ताकि बच्चों को और मुझे दोनों को कुछ अलग गुजराती के अलावा हमें कुछ नया ट्राई करने को मिले। प्रणव जोशी, प्रोफेशनल शेफ, एंटरप्रेन्योर, मैं आ रहा हूँ आपके घर के अंदर मेरी बेस्ट ऑफ द कुकिंग सीक्रेट शेयर करने के लिए। हेलो आंटी। आप आए अभी? माय प्लेजर। तो मुझे पता है आपका प्रॉब्लम क्या है। सब गुजराती खाना बच्चों को पसंद नहीं है। हाँ। और वो आप नई नई आइटम उसको हर रोज खाने बनाने की है, तो इसीलिए मैं आ गया हूँ इधर, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो वी हैव राजमा हियर, देन आई वांट बेसिल, यू कैन टेक बेसिल। We have capsicums, basil है, कुछ मैक्सिकन गुजराती जैसा बनाएंगे, very quick, very simple, very fast और very healthy. Bread है आपके पास? हाँ है ना? Perfect. So we can make nice sandwich. तो उसके लिए सबसे पहले capsicums. अगर एक कलर के कैप्सिकम हो तो भी चलेगा, पर ये तो दिखा तो मैंने यूज़ कर लिया, so we can use any one color capsicum. Like that. Okay. So now. Okay. आपको garlic पसंद है? हाँ, garlic बहुत. Onions? Onion भी सब. Onion भी पसंद है? तो चलो इसके अंदर हम garlic भी डालेंगे और onion भी डालेंगे. एक मुझे आप onion दीजिए, एक garlic दीजिए. That's it. Then we already have garlic which is already chopped. तो हम process start करेंगे. मुझे frying pan देंगे आप? अच्छे. This is good. Okay. And spatula. Yeah. तो अब हम जो vegetables हैं उसको fry कर लेंगे. उसके लिए either हम butter ले सकते हैं या तो oil ले सकते हैं. So olive oil भी है. एक tablespoon जितना. Also we will take butter. So this is very common problem हर एक इंडियन फैमिलीज के अंदर के ट्रेडिशनल कुकिंग बहुत सारा होता है घर के अंदर. लोग दे गेट वेरी बोर्ड ऑफ सेम फूड. तो घर के अंदर जो इंग्रीडियंट्स होते हैं उसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्टी कुछ खाना बन सके तो नथिंग लाइक इट. और आपकी बेटी भी इधर है तो हम उसे बुलाएंगे. तो वेजिटेबल्स को हम सौते कर लेंगे. तो इसके अंदर हमने डाला है कलर कैप्सिकम, अनियंस, विल एड जस्ट लिटिल बिट ऑफ गार्लिक टू इट. उसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, वी जस्ट नीड टू सॉटे इट. इसीलिए सब वेजिटेबल्स के साथ ऐड कर लेंगे. अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं है तो यू कैन ऑलवेज नॉट पुट द गार्लिक इनसाइड, पर मुझे पसंद है और इनको भी पसंद तो इसलिए हम डाल रहे हैं. ओके, तो मुझे सॉल्ट और पेपर. तो इसको हाथ से ही तोड़ देंगे और इसके अंदर डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए इसके अंदर. इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे. ओके, अब इसके अंदर हम डालेंगे राजमा जो बॉईल किया हुआ है आपने. इसके अंदर सॉल्ट डाला था आपने? हाँ, थोड़ा. इट्स अ वेरी गुड थिंग व्हेनेवर यू बॉईल पल्सेस या कोई भी चीज़ आप उबाल रहे हैं, पास्ता है, कुछ भी है, तो डेफिनेटली यू शुड एड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ताकि उसकी जो फ्लेवर है उसके अंदर आ जाए. ओके, सो गार्लिक और बेसिल जो है उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. ऑलराइट,
Why don't you stir this? And I will take ketchup. Okay. इसके अंदर थोड़ा सा केचप डालेंगे हम. तो दो टेबलस्पून जितना केचप डाला है. अगर इफ यू डोंट वांट इट, यू कैन ऑलवेज पुट टमाटो प्यूरी इनटू दिस एट दिस स्टेज. ओके, जो राजमा को स्मैश करना है सो ताकि उसका फ्लेवर बाहर आ जाए एंड जो मसाले डाले उसके अंदर वो अच्छी तरह से मिल जाए. सो ऑलमोस्ट डिश हमारी कंप्लीशन पे है. आंटी, चीज़ है आपके पास? तो एक चीज़ चाहिए क्यूब अगर हो तो. आई वॉन्ट टू ईट विथ चिलीज वंस दे टेक इट आउट विद देयर किड्स बिकॉज अभी मेरे मुंह में पानी है. सो आई टू ईट दिस अमेजिंग गार्लिक और बेसिल का स्मेल बहुत अच्छा है. सो इसको वापस मिक्स कर लेंगे. ऑलराइट, सो नाउ थोड़ा सा चिली पाउडर डालेंगे इसके अंदर. गैस को बंद कर लेंगे. सो द कुकिंग पार्ट इज डन. इसके अंदर थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड कर लेंगे. ओके ओके, सो आवर मिक्सचर इज डन. अब इसको ब्रेड के अंदर हम लगा लेंगे. थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर. बच्चों को तो वैसे भी ऐसी चीजें ज्यादा पसंद है. सो दे आर जस्ट वेटिंग व्हेन द डिश इज गोइंग टू गेट रेडी एंड दे जस्ट दे विल हॉग ऑन इट. मुझे सुनाई दिया पीछे से. एक्चुअली नाउ इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मसाला. ओके, इट लुक्स सो अमेजिंग. आई थिंक सो टेस्ट वुड बी डेफिनेटली गोइंग टू बी इट इज वेरी हेल्दी एज वेल इन अ वे. चीज के सिवा आई मीन थोड़ा बहुत चीज तो ऑफ कोर्स बच्चों को आप दे सकते हैं. किड्स इट इज देयर कभी कभार. किड्स मील के लिए भी ये परफेक्ट है. ऑल्सो अगर किड्स आफ्टरनून में स्पोर्ट्स या वगैरह कुछ खेल के आते हैं तो उसके लिए भी दिस इज अ राइट स्नैक. आई एम श्योर दे विल लव इट. इसको हम बंद कर लेंगे. आई थिंक इट इज इनफ ऑफ चीज. इसको बंद कर लेंगे. हल्का सा बटर इसके ऊपर और वापस लगा लेंगे. ओके, सो बटर लगाने का प्रोसेस डन. सो नाउ उसको ग्रिल कर लेंगे हम. ओके, सो दिस इज द फाइनल प्रोसेस. या फाइनली द डिश इज गोइंग टू बी गेट एग्जैक्टली. सो जैसे ही गोल्डन ब्राउन होता है इसको हम सर्व कर लेंगे. सो इसको मैं ज्यादा आई एम नॉट प्रेसिंग इट ताकि उसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा बाहर आ सकता है. सो विल अवॉइड प्रेसिंग इट उसको ज्यादा. ऑलमोस्ट आई थिंक एक मिनट या एक डेढ़ मिनट तक इसको ग्रिल कर लेंगे. और सैंडविच इज लुकिंग नाइस एंड ब्राउन. इसको हम स्लाइस करेंगे और उसके बाद सर्व कर लेंगे. और एक बात, अहमदाबाद में शेफ प्रणव के लिए तो खाने के लिए जितने क्रेजी है वैसे लेडीज आर वेरी क्रेजी फॉर यू. यू नो दिस मस्ट आई डोंट थिंक सो दिस यू मस्ट बी नोइंग बट दिस एक्चुअली आई नीड टू से that is I have not paid this lady so she is not paid. No, I am not at all but this is just frank. My neighbors actually jab pata hai unko ki bhai Pranav bhai is going to come and cook over here to sabka matlab hum aa sakte hain. Hum aa sakte hain. This is very interesting ki unhone bola hai ki ladies are crazy right. Yeah. Par Pranav bhai piche kyun aata hai wo mujhe pata hai. This in Ahmedabad no people just respect everybody. Correct. So unko kya hai wo. Alright, so इसको सर्व कर लेंगे हम. ओके, सो इस तरह से इसको प्लेट कर लेंगे. ओह वाओ, इट्स लुकिंग अमेजिंग. आई थिंक सो बच्चे तो रेडी है. जस्ट मैं जाके बच्चों को दे आऊं. चलो शनाय विल ईट दिस एंड शनाय विल से दैट हाउ इट इज. शनाय ने भाई है ना, दिस इज समथिंग डिफरेंट. यू लाइक इट? शी लाइक्स इट. So if you like this kind of recipe, it's very simple, very tasty. So please like, share, also subscribe to my channel and stay tuned.